क्यों नहीं दिया जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप एक बात जान लीजिए कि अगर आपको नौकरी चाहिए तो कई बार इन्होंने सवाल उठाए हैं सरकार पर, और यहाँ तक कि जुबान से ये भी निकल गया कि सूची जाति जैसे गालियों से मुझे नवाजा गया, और यहाँ तक इन्होंने कह दिया कि मैं हिंदू भी नहीं हूँ। जब गुस्से में ये आ गए तब ये सब दिन के निकले, और यही वीर भाई हैं जो ये कह रहे थे कि स्टूल मंत्री अगर चाहते तो मुझे नौकरी दिला देते, लेकिन नहीं दिलाया। कारण क्या है कि आज भी ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, थोड़ा सा साइड दे दीजिए, बैठ जाते हैं। मैं अभी जब आपसे बात कर रहा हूँ, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे फीवर है, और फीवर केवल कल की बारिश जो यहाँ पर हुई है लगातार, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी छिपने की जगह नहीं दूर दूर तक। तो कल हम लोग यहाँ पर बैठे थे, मुझे फीवर हो आया है, दवा सुबह का खा कर आया था, थोड़ा सा आराम था, लेकिन फिलहाल फिर से समस्या हो रही है। अभी आपने कहा कि चीज़ें हमारे मन में गुस्से से निकल कर आई कि हमने किसी को स्कूल मंत्री कह दिया और अपने आप को हिंदू कहने में शर्म आती है, ये गुस्से में नहीं था, ये सच्चाई है। और ये दर्द है हम लोगों का कि हमें बार बार इस बात का एहसास कराया जाता है कि हम हिंदू नहीं हैं, क्योंकि ना त्यौहार, ना दिवाली, ना नया वर्ष, बहुत सारे से त्यौहार, रक्षाबंधन आया, इसमें दशहरा आई, दिवाली आई, और हम घर तक नहीं जा पाए तो फिर हम किस बात के हिंदू? ये हमारे गुस्सा नहीं है, हम पढ़े लिखे लोग हैं सर, हम बहुत कम गुस्सा होते हैं और समझते हैं चीज़ों को क्या सही है और क्या गलत है हमारे लिए। तो वो हमारा दर्द है, हमारी पीड़ा है, बार बार हमें एहसास कराया जाता है। आप समझिए, आप इस बात के गवाह रहे हैं, पूरा प्रदेश इस बात का गवाह रहा है। अभी आपने कहा कि प्रदेश का ऐसा कोई मंत्री और जिम्मेदार पर्सन नहीं जो हमें नहीं जानता, अधिकारी ऐसा नहीं है, हमने ये भी तो कह दिया। ये बिल्कुल सही कहा आपने। मैं आपको बता दूं कि यहाँ तक रिक्शे वाले, ठेले वाले और जो यहाँ पे लोकल जनता है लखनऊ की, वो हमें पहचानने लगे हैं। कहीं से गुजरते हैं तो ये लोग कहते हैं कि देखिए ये धरने वाले लोग हैं, मतलब हमारी पहचान धरने वाले के रूप में होती है, और लोग हे दृष्टि से देखते हैं। इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद, चयन प्रक्रिया में बताइए 4200 ग्रेड पे की नौकरी, आप सोचिए बहुत कम लोग हैं जिनके पास 4200 ग्रेड पे की नौकरी होती है। उस नौकरी के मानक को हम क्वालिफाई करने के बाद आज लोग हमको देखते हैं। एक दिन बताऊँ आपको एक मजाकिया वाक्या हुआ हमारे साथ। हम सब्जी लेने के लिए गए, सब्जी वाला कहा कि ये लोग सफाई कर्मचारी हैं और सीवर साफ करते हैं वहाँ पर इको गार्डन में। यह पहचान कराई गई हमारी, आपकी पहचान ये हुई है, ये पहचान हुई हमारी। उन्होंने कहा कि आप लोग रोज़ जाते हैं, उसने ये बात, कई लोग वहाँ पे मौजूद थे, तो कोई बंदा पूछ लिया उन लोगों से, भाई लोग कौन है रोज आते हैं? तो उन्होंने कहा कि ये सफाई कर्मी है और ये सीवर साफ़ करने के लिए जाते हैं क्यों गार्डन में। हालांकि हमने बाद में उनको सही करा और उन्होंने गलती भी मानी, लेकिन सच्चाई ये है कि जब हम लोग रोज़ आते हैं ना, 4-5 लोगों की संख्या में, उसी तरह से रोज़ सुबह पैदल आना, फिर जाना, इधर उधर से खाने पीने खाना, और ऐसे खाने खाते हैं जो कि एक आम सफाई कर्मी और फोर्थ ग्रेड कर्मचारी जो होगा वही खा सकता है। चूँकि हमारे पास पैसा त्वचा नहीं है, अब ये 2-3 महीने लगातार लखनऊ में रहना, उससे पहले 8 महीने, घर वाले भी इतने सक्षम नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत पिछड़े खानदान परिवार से आते हैं। तो अब इन परिस्थितियों में जब कभी ठेले पे खाते हुए, कभी सस्ती सब्जी खरीदते हुए उनको मिल जाते हैं, उनको लगता है कि रोज जाते हैं सफाई कर्मी है, गार्डन के सफा करके चले आते हैं। तो ये हमारी हालात हो गए, ये हालात हो गए हैं। क्यों भैया ये हालात हो गए? अगर ऐसा सुनते होंगे तो पूछना चाहूँगा कि आपने, आपके आंखों में आंसू? जैसे भाई अब क्या होता है, ये आंसू नहीं है, ये हमारा दर्द है जो छलक जाता है। नहीं, ये आंसू मतलब अचानक से, भाई की बात सुन रहा था, छोटा भाई है हमारा, बहुत हम लोग प्यार करते हैं और हंसी मजाक, हम लोग सच्चाई ये है कि हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं चीज़ों को, हंसते रहते हैं, खेलते रहते हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। आपके कवरेज करते करते मैंने भी दर्द को सुना है, मैं भी समझ मजाक करते रहते, लेकिन सच्चाई ये है सर कि हम लोग बहुत ज़्यादा समस्याओं में, घर से इतनी दूर इतने दिन तक रहना, अपने बच्चों को छोड़कर, अपनी पत्नी को छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर, बूढ़ी आँखें उनकी इस बात के लिए इंतजार कर रहे हैं, कभी वो दिन आएगा जब बच्चा हमारा ये कहेगा फ़ोन करके आएगा कि हमें नियुक्ति मिल गई है, हमारे लिए चीज़ें सफल हो गई। सर हमारा दोस्त क्या है, हम आज तक ये नहीं जान पाए, बहुत पीड़ा होती है, कहने को हम लोग यहाँ बैठते भी हैं, घूमते भी हैं, खेलते भी हैं, सच्चाई ये है जब कभी अपने आप से बात होती है उतना तकलीफ़ होती है। आज वो लोग जो शायद इस बात के हकदार भी नहीं थे, सम्मान का जीवन जी रहे हैं और 48,000 की नौकरी कर रहे हैं, और हम लोग सर 200-400 के लिए, आप बताऊँ मेरे पास 3 दिन से 1 रुपया पैसा नहीं है, ये मैं सच बोल रहा हूँ। मुझे फीवर, अभी दवा मंगाया मैं, एक फ्लेक्सान और एक ऐसी लाख 5 रुपये की, एक भाई से उधार लेकर दवा मंगाया, ये कंडीशन है सर। कभी सोचा नहीं था कि कभी ये दौर भी आएगा कि अपनी दवा के लिए, पानी पीने के लिए, रिक्शे के लिए हम लोगों को पैदल आना पड़ेगा यहाँ तक, और इतनी तकलीफें झेलनी पड़ेगी। आप बता रहे हैं ये बात तो सच है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा था कि ये लखनऊ जैसे शहर में आप कभी आए होंगे ऐसे घूमने या किसी ऐसे? सर हम जैसे गाँव के लोगों के लिए सपनों का शहर होता है, जिस अगर से मैं इलाहाबाद से हूँ, एक छोटे से गाँव से हूँ सर, शहर से दूरी लगभग 20-22 किलोमीटर, लखनऊ हम लोगों के लिए सपनों का शहर हो सकता है,
उम्मीद है कि कभी अगर मौका मिलेगा तो लखनऊ घूमने जाएंगे, अम्बेडकर पार्क देखेंगे, लोहिया पार्क देखेंगे, हिमेश्वर पार्क देखेंगे, गोमती रिवर फ्रंट देखेंगे, विधानसभा देखेंगे, बीजेपी कार्यालय सुना है बहुत अच्छा बना है उसको देखेंगे। लेकिन सर आपको ये जानकर हैरानी होगी, 1.5 साल से हम लोग यहाँ पर हैं लेकिन कभी इन जगहों पर जाने का मौका नहीं मिला। अगर कभी गए भी बीजेपी कार्यालय विधानसभा तो अपनी मांगों को लेकर गए, घूमने की कभी हिम्मत नहीं होती। लाठी खाने पहुंचे थे क्योंकि मेंटली इतना ज्यादा प्रेशराइज है, इतना पीड़ित है ना सर कि समझ ही नहीं पाते कौन सा रुख किधर को बना है, कब जाए और कहां घूमने जाए और कब निकल के बगल में इको गार्डन पार्क है सर, देखता हूँ बहुत से लोग घूमने के लिए जाते हैं लेकिन मुझे 1.5 साल हो गए मैं कभी नहीं गया क्योंकि मन में दिमाग में वो चीज़ें नहीं आ पाती हैं कि आप घूमने के लिए भी जाओ। ये हमारी मानसिक पीड़ा कब दूर होगी ये हमारा बहुत बड़ा सवाल है। हम आपके जनरल मदम से अनुरोध करना चाहते हैं अपनी पूरी पिछड़े समाज से, दलित समाज से, अल्पसंख्यक समाज से कि अगर हम आप लोग अपना बच्चा समझते हैं और हमारी अगर मांगे जेन्युइन है तो आप हमारा सपोर्ट करिए, क्योंकि हमारे जो चयनित लोग हैं ना वो हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि हम लेखपाल हो जाएंगे, हम IAS बन जाएंगे, हम PCS बन जाएंगे, हम शिक्षक नहीं बनेंगे। अगर हमें सपोर्ट मिल पाता ना तो आज हम लोग लड़ाई इतनी लंबी नहीं लड़ पाते। मैं उम्मीद करूंगा कि लड़ाई केवल शिक्षकों की नहीं है, ये पूरे समाज की लड़ाई है क्योंकि ऐसा माहौल चल रहा है कि इस समय पिछड़े होने का आपको दर्द ये है, दंश आपको झेलना पड़ेगा कि आपको नौकरी करने के लिए लाखों पैसे खर्च करने पड़ेंगे, पढ़ने पड़ेंगे, पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद सालों तक आपको धरना करना पड़ेगा जो हर कोई कर नहीं पाएगा। हम जैसे लोग हर कोई मजबूत नहीं होता है कि घरों से आकर संघर्ष करें, लाठी खाए, मुकदमा खाए और एक टाइम खाना खाकर जीवन यापन करें। तो यहाँ जब आप पहुँचे लखनऊ में तो उस समय धरना के मूड में आप आए होंगे या सोचे कि पहुँचेंगे तुरंत नौकरी मिल जाएगी? सर धरना कोई मूड, धरना तो सर नाम ही सुनकर डर लगता है कि पुलिस की लाठी का खौफ आ जाता है ऑटोमेटिक। आप जब घर से निकलते हैं तो पुलिस की वर्दी को देखकर डर लगता है। ये शौक तो नहीं है सर, ये मजबूरी है, करना नहीं चाहते धरना, करना पड़ता है। करना पड़ता है क्यों? करना पड़ता है।